हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे नान खटाई। आइए देखें इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी घी, दो कटोरी मैदा, पौने एक कटोरी मतलब एक कटोरी से थोड़ी सी कम पीसी हुई शक्कर। सबसे पहले हम मैदे को छन्नी से छान लेते हैं जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम एक बाउल में डालेंगे घी। घी हमें रूम टेम्परेचर का लेना है। इसमें डालेंगे हम पीसी हुई शक्कर। शक्कर को मिक्सर में बारीक पीस कर इसका हमने पाउडर बना लिया है। मैं घी और शक्कर को हाथ से फेंट रही हूँ, आप इसे चम्मच से या विस्कर से भी फेंट सकते हैं। ध्यान रखिए आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें। घी शक्कर को हम अच्छे से एकदम फ्लफी होने तक फेंटेंगे। यदि गर्मी का समय हो, घी पूरा पिघला हुआ हो, तो थोड़ी देर से आप फ्रिज में रख दें। घी शक्कर को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके मैदा डालते जाएंगे। दो तीन बूंद वेनिला एसेंस की, आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। एसेंस से हमारी नान खटाई में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छे से मिक्स करके अब हम नान खटाई का डो तैयार कर लेते हैं। नान खटाई का डो हमारा तैयार है। इसमें हमने बिल्कुल भी दूध पानी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, इस पर मैंने घी लगाकर इस पर हल्का सा मैदा बुरक दिया है। अब हम इसकी नान खटाई बना लेते हैं। छोटी सी लोई तोड़ेंगे, इसे हम गोल कर देंगे। प्लेट में आप उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे। इस तरीके से हम सारी नान खटाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारी नान खटाई हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे ऊपर से इसे चाकू से हल्का हल्का सा सा कट लगा देंगे। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ऊपर से टूटी फूटी लगा रही हूँ। आज हम नान खटाई को ओवन में बेक करेंगे। ओवन को पहले हमने हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम नान खटाई की प्लेट को ओवन में रख देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 25 मिनट हो गए हैं। हम नान खटाई को एक बार चेक कर लेते हैं। एक हम उठा कर देखेंगे, देख रहे हैं इसका जो निचला हिस्सा है उसका कलर एकदम गुलाबी हो गया है, मतलब हमारी नान खटाई है वो अच्छे से बेक हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट हमारी नान खटाई बनकर तैयार है। गैस बंद करने के बाद आप प्लेट को ओवन में से निकाल लें और लगभग 1-1.5 घंटा आप उसे प्लेट में ही रखे रहने दें। उसमें जो हीट है वो काफ़ी समय तक होती है, उसके बाद ही आप उसे प्लेट से बाहर निकालें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस तरीके से नान खटाई बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।